नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं जो है कुछ लोगों को ज़रूरी सूचना बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस वक्त हम मुमरा में खड़े हैं और यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर जारी है और जो है जो पीड़ित हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो है अब एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के सबसे पहले तो बॉर्डर की बात करें तो सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, और एक दूसरी बात ये भी है कि जो है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लोग नहीं जा सकते हैं। जो जहाँ पर है वहीं पर रह सकता है, वो किसी और दूसरे एरिया में नहीं जा सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट में जो है इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है। कुछ लोग अभी भी फिराक में हैं गांव जाने की। जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई ठाणे से मुंबई जा रहा है तो मुंबई से जो है वो कल्याण की तरफ आ रहा है, लेकिन उन्हें रोक लिया जा रहा है। जो चेक नाके बने हैं, जो पुलिस जो बंदोबस्त लगी है वो जो है उन्हें रोक ले रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप घर से ना निकले, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से कल रात से जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने जो है जो ऐलान किया है, जो कर्फ्यू लगाया है, इसके पहले आपको पता होगा कि धारा 144 लागू है, लेकिन आज कल रात से जो मुख्यमंत्री जो है उन्होंने फेसबुक पर आकर जो लाइव आकर जो है उन्होंने बताया कि जो है कर्फ्यू लग गया है, और ऐसे में जो है और एरिया को सील कर दिया है। जैसा कि मुमरा से कौसा के आगे आप नहीं जा सकते हैं, और ठीक इसी तरह से किसी ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं। और जो लोग गांव जाने के फिराक में हैं, जो कोशिश में हैं कि कभी बस के थ्रू और कभी ट्रेनों के ज़रिए वो गांव भाग जाएंगे या गांव चले जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं जा पाएंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि एसटी बस सेवा बंद है और ट्रेनें तो पहले से ही बंद है। और इस कर्फ्यू के दौरान जो है इस जो है धारा 144 के दौरान जो है सिर्फ उन्हीं दुकान खुले रहेंगे जो ज़रूरत के सामग्री, जो ज़रूरत के सामान है वही आपको मिल सकते हैं, जैसा कि दवाएं मिल सकती हैं। और किराने की दुकान जो पहले से बोलते आ रहे हैं, जो सरकारें बोलती आ रही हैं, किराने जो है खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, इस तरह से जो है जो ज़रूरी सामान है वो आपको मिलेंगे। बहरहाल पूरी तरह से बंद कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, और जो है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो है सील कर दिया है, मतलब कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता है। तो मैं एक बात और दर्शकों को बता दूं, प्रहार टाइम्स के दर्शकों को बता दूं जो है, और इस मुमरा कौसा वासियों को बता दूं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से बता दूं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो जो है निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, उसमें ये भी है कि धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद जो है वहाँ पर जो है उन्हीं लोगों को सिर्फ जाने दिया जाएगा जो उसमें पुजारी हैं, सिर्फ वही पूजा पाठ कर सकते हैं, सिर्फ वही जो मौलाना है वही नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी जनता के लिए फ़िलहाल जो है बंद है, जनता वहाँ पर ना जाए। और जो पुजारी हैं उन्हें नहीं रोका गया है, वो जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन समाज से हों, चाहे वो जिस समाज से हों, चाहे जिस धर्म के हों, उन्हें मतलब उनके जो पुजारी हैं जैसे मौलाना हैं, फादर हों, उन्हें जाने दिया जा रहा है, वो अपनी तरह से अपने जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर जो है धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थल फिलहाल जो है बंद है, वहाँ पर जनता के लिए फिलहाल बंद है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 शहरों में लगाया गया था, इसके पहले लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, अब पूरे महाराष्ट्र को जो है बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ मुमरा में भी वही हाल है, जो है यहाँ पर जो पुलिस है काफ़ी तैनात है, मुमरा पुलिस जो है वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई है, कौसा में जो है पुलिस खड़ी है वहाँ पर नाकाबंदी की है, और मुमरा पुलिस स्टेशन के पास मतलब वो ना इधर से इधर जा सकता है, किधर से भी कोई इंसान कहीं नहीं जा सकता, सबसे बढ़िया यही रास्ता है कि वो घर पर रहे। ये एक ज़रूरी ऐलान था प्रहार टाइम्स की तरफ से आप सभी को, आप लोग जो है सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।